डियर स्टूडेंट आरसी एजू हब बांसू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि अपन टॉपिक के अंदर बात कर रहे थे सीओ बॉन्ड क्लीवेज की अभिक्रिया, उसमें आपने कुछ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है पेपर की साइड की दृष्टि से देखा जाए, यानी पेपर में मैक्सिमम बार पूछी जाती है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जिसका नाम होता है नेमिंग रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। तो यहां से क्या होता है देखें, डार्जन अभिक्रिया के अंदर टॉपिक चल रहा है अपना थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया इसी का नाम है डार्जन अभिक्रिया। होता क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें डार्जन रिएक्शन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल जो क्लोराइड है इसका मतलब होता है SOCl2 को बोलते हैं। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका एल्कोहल है उसे एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवाई जाती है थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है, प्रीडीन की उपस्थिति में। यहां पर प्रीडीन किसके रूप में बिहेव करता है, क्षार के रूप में। तो यानी एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहां से एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है एवं इसी अभिक्रिया में दो अन्य उत्पाद के रूप में जो गैसीय उत्पाद बनते हैं SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं HCl, वो अलग अलग पृथक रूप से, यानी कि दोनों जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग पृथक हो जाते हैं। ये जो डार्जन अभिक्रिया है ये एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम, शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम मेथड माना जाता है, यानी कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो क्लियर है यहां से थायोनिल क्लोराइड की साथ अभिक्रिया। तो क्या बताएं यहां पे कि एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। ये शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस अभिक्रिया के अंदर दो अन्य उत्पाद SO2 में HCl गैस के रूप में बनते हैं जो आसानी से पृथक पृथक हो जाते हैं। देखें यहां से क्या होता है, एल्कोहल है आपका CH3CH2OH, इस एल्कोहल की अभिक्रिया में आपका क्या है एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया में थायोनिल क्लोराइड S OCl, यानी इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं SOCl, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न होगी, PY का मतलब यहां पे प्रीडीन, PY का मतलब यहां पे क्या है प्रीडीन की उपस्थिति में। तो यहां से देखो साइड साइड निकल जाएगा यहां से और यहां से ऐसे, देखो CH3CH2Cl प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3CH2 ये Cl, यहां पे S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, आउट कौन हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे H और यहां का HCl, ये जो दोनों हैं वो कैसे उत्पाद होते हैं गैसीय उत्पाद, और ये क्या बन जाता है आपका एथिल क्लोराइड। शुद्ध प्योर एल्किल हैलाइड, यानी कि शुद्ध एल्किल हैलाइड होता है एल्किल हैलाइड। तो डियर स्टूडेंट यहां पे क्या बताया कि जो आपका एल्कोहल है इस एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में करवाई जाएगी। तो देखो यहां से CH3 साइड साइड से क्या बन जाएगा आपका CH3CH2Cl और यहां से मिड में क्या जुड़ जाएगा एस डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा O, तो ये बन जाएगा आपका SO2 और यहां से H और ये Cl मिलकर क्या बन जाएगा HCl। ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं गैसीय उत्पाद, जो दोनों अलग सेपरेट कर लिए जाते हैं। ये जो बनने वाला जो एथिल क्लोराइड है वो क्या होता है आपका शुद्ध एल्किल हैलाइड, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं
डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एथिल क्लोराइडों का निर्माण हो जाता है। यह शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है, इसे डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में दो अन्य उत्पाद SO2M HCl गैस के उत्पाद बनते हैं जो आसानी से अलग अलग पृथक हो जाते हैं। अब यहां से पेपर में पूछ ले कि डार्जन अभिक्रिया के द्वारा RBR MRI का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों? डार्जन अभिक्रिया है उसके द्वारा अपन RBR एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइडों का निर्माण नहीं कर सकते, क्यों? कारण पूछ ले, नोट लगा के ध्यान रखने योग्य बात है। NO यहाँ पे ध्यान रखने योग्य क्या है, आपके पास एल्कोहल तो है CH3CH2OH। अब अपन को देखो RBR बनाना है, यहां से अभिक्रिया आपके पास पॉलीपिरिडाइन की उपस्थिति में करवाए, यहाँ पे RBR बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका RBR के रूप में, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में एल्किल तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ एल्किल के रूप में मैं आप एथिल मेथिल जो भी है यूज कर सकते हैं, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। नोट क्या है यहाँ पे कि जो डार्जन अभिक्रिया है उसके द्वारा एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल आयोडाइडो का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों? उसकी वजह क्या है? तो ये आपके पास ROH अभिक्रिया ROH, अब RBR का निर्माण करें तो आपको पता है SOBR, भैया आपके पास थायोनिल क्लोराइड SOCl2 था, तो Cl की जगह आप क्या लगाओगे RBR का निर्माण करने के लिए? Br, तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा आपका? SOBr ये बनेगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, RBR यहां से आप निकालना चाहें HBr, तो कंपाउंड आपके बनाना चाहिए RBR, और यहां से क्या बाहर निकल जाए SO2, यहां से क्या बन जाए HBr, आप ऐसा करवाना चाहे अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि जो एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल जो ब्रोमाइड है वो नहीं बन पाएगा। उसका कारण क्या है? दूसरी बात, यहां से आपने सिंपल वे में एल्कोहल लिया और यहां से RI बनाना चाहिए, RI बनाओगे तो यहाँ पे देखो S डबल बॉन्ड होता है, ऐसे कैसे रखे हैं BR की जगह, आप माना कि I यूज कर रहे हैं, SOI2 यूज कर रहे हैं, कंपाउंड कौन सा? SOI2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड साइड से बाहर निकालना चाहिए, यहाँ से RI, यहाँ से क्या बन जाए आपका SO2, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाए आपका HI, RI एल्किल आयोड है, एल्किल आयोड है, इसका निर्माण नहीं होगा। तो यहां से ये ध्यान रखना है कि डार्जन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाए जा सकते हैं, जबकि RBR एल्किल ब्रोमाइड में एल्किल आयोडाइडों का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि जो एस कि यदि आप एल्किल ब्रोमाइड बनाओगे तो अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? एल्कोहलों के SOBr2 के साथ। SOBr2 क्या है? एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अस्थायी यौगिक होता है। SO2 क्या होता है? SOBr2 यहां पे क्या है? अस्थायी। और जो SOI2 है वो क्या होता है? अननोन कंपाउंड होता है, अननोन कंपाउंड, अज्ञात यौगिक। यही कारण है SOBr2 तो अस्थायी और SOI2 अननोन कंपाउंड होने के कारण डार्जन अभिक्रिया के द्वारा अपन RBR MRI का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये पेपर में ध्यान रखना है आपको, डार्जन अभिक्रिया के द्वारा RBR RI का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों? तो आपको ध्यान रखना है यहां पे SOBr2 अस्थायी यौगिक होता है और SOI2 क्या होता है? अननोन कंपाउंड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे इसी में, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट इसी में चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि यदि आपका जो एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ
शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे यदि करवाते हैं तो वन डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है, यानी वन डिग्री एमीन का मतलब यहाँ पे एल्केन एमीन का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओगे, यानी कि एल्कोहलों की अभिक्रिया अमोनिया के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे करवाई जाती है तो वन डिग्री एमीन यानी कि एल्केन एमीन का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार होता है वो देखें, आपके पास एल्कोहल है CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई आपने NH2H, मैंने खोल के लिखा है NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया, और ये क्या है आपका एल्कोहल। एल्कोहलों की अभिक्रिया अमोनिया के साथ किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 573 केल्विन ताप पे। तो यहां से आपको पता है कि बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शन चल रही है तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से क्या आएगा देखो आपको पता है H पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यानी कि ये पोर्शन के रूप में यहां से क्या हो जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा और इस पॉजिटिव पार्ट के ऊपर कौन जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट। तो देखिए यहां से CH3CH2 और यहां पे O, CH3CH2 पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे यहां पे नेगेटिव जुड़ जाएगा NH2 और यहां पे OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिलकर बाहर क्या हो जाएगा H2। तो देखो NH2 नाइट्रोजन, भाई आपने पता है अमोनिया है, समझने के तौर पे देख लें NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया के H बाहर निकल जाए यहां से और यहां पे एल्किल ग्रुप जुड़ जाए RNH2, यानी कि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री है और उस पर एक एल्किल समूह जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। ऐसे यहां से आपके H निकल जाए R जुड़ जाए RNHR, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ऐसे ही यहां से H निकल जाए, यहां से R ऐड कर दिया जाए तो मैं इसको RNRR, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फ्री है उन पर एल्किल समूह जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो कुल मिला के बात ये समझने के लिए मैंने लिखा है, तो यानी कि नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री है, उस एक फ्री वैलेंसी के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है यहां पे एथिल समूह, तो ये कैसा एमीन है 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन का जो आईयूपीएसी नेम है वो कैसे दिया जाता है, एल्केन एमीन। अब एल्केन के रूप में बड़ी से बड़ी चेन कितने की बनेगी, दो नंबर की, दो का मतलब यहां पे क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एन एथेन। अब एमीन का जो NH2 है इसकी पोजीशन लोकेट संख्या कितनी है इसकी, वन, तो एथेन वन एमीन, या इसी को मैं शॉर्टकट पे लिख सकता हूं एथेनेमीन, यानी कि वन डिग्री एमीन वो बन जाएगा। तो ये भी क्या है आपकी CO बॉन्ड विदलन की अभिक्रिया। नेक्स्ट लास्ट इसी में बात कर रहे हैं, फोर्थ में CO बॉन्ड की लास्ट रिएक्शन है अपचेन, एल्कोहलों का अपचेन, एल्कोहलों के अपचेन की अभिक्रिया, एल्कोहलों के अपचेन की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो आपका एल्कोहल है CH3CH2OH एल, एल्कोहलों का अपचेन किसके साथ करवा दिया जाए, एच आई के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड पी की उपस्थिति में करवाओगे। यहां पे कितने मोल लिया मैंने, यहां पे दो, तो देखो यहां से जब एल्कोहलों का अपचेन यदि आप रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं यहां से, तो देखो टू एच आई में आई आयोडाइड के कितने मोल है, दोनों मोल किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, यहां पे आई टू के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे। अब यहां से CO बॉन्ड की रिएक्शन है तो यहां से क्लियर हो चुका है कि यहां पे बॉन्ड का डिसकनेक्शन होगा, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यहां पे दो हाइड्रोजन बच रहे हैं, एक H इस OH नेगेटिव पे जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, और यहां पे जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव पे एक H जुड़ जाएगी, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, किसका निर्माण हो जाएगा एल्केन। यानी कि एल्कोहलों के अपचेन की अभिक्रिया में क्या बताया कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहलों का अपचेन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड एच आई के साथ करवाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो CO बॉन्ड क्लीवेज की जो रिएक्शन चल रही थी वो फिनिश हो गई है, आज के लिए बस इतना ही काफी है।